सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। यहां दोनों देशों की सेना टकराव की स्थिति में है। दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति का विश्लेषण भी किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन डोकलाम में अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएगा। चीनी विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय सैनिकों को बिना शर्त तत्काल वापस हो जाना चाहिए, लेकिन भारत भी चीन के सामने पीछे नहीं हट सकता। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि भारत और चीन के बीच सिर्फ डोकलाम ही नहीं है, कई और बॉर्डर को लेकर भी चीन विवाद खड़ी करता रहा है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं डोकलाम के अलावा उन बॉर्डर के बारे में जहां चीन और भारत के बीच में मुठभेड़ हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर को लेकर भी विवाद रहा है। चीन इस राज्य की सीमा लेकर भारत पर आरोप लगाता रहा है। जब दलाई लामा अरुणाचल का दौरा करने वाले थे तब भी चीन ने विरोध किया था। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर को लेकर भी विवाद रहा है। चीन इस राज्य की सीमा लेकर भारत पर आरोप लगाता रहा है। जब दलाई लामा अरुणाचल का दौरा करने वाले थे तब भी चीन ने विरोध किया था। लद्दाख क्षेत्र में भी भारत और चीन के बीच विवाद की स्थिति रही है। मनरेगा के तहत हो रहे कंस्ट्रक्शन को चीनी सेना ने रोकने की कोशिश लद्दाख क्षेत्र में की थी। उत्तराखंड में भी चीन की ओर से सीमा रेखा के उल्लंघन करने का मामला सामने आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में करीब 800 मीटर घुस आई थी। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।